यह है, यू विल एग्री कि वो हमारे वोटों से तो चुनी जाती है, लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि वो हमें रिप्रेजेंट नहीं हमारे काम करती। नहीं आती है। हाँ, हम नहीं, वो हमारे हमको रिप्रेजेंट नहीं जरूरी करती के है, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। लिए नहीं है। जी, इस बात से आप सहमत हैं? आई एग्री। जी, ओके। अब एक बात ये भी आप मानेंगे कि ये जो जिन लोगों को टिकट देते हैं, दे आर नॉट द बेस्ट ब्रेन, बेस्ट पीपल ऑफ द सोसाइटी, ये तो है। तो वो मीडियोकर लोगों को, गलत लोगों को, अनपढ़ शिक्षक और मतलब गंवार लोगों को टिकट देते हैं, और जो टिकट बांटने वाला है ही इंश्योर्स कि उससे इंफीरियर लोग जो है उससे जुड़े, जिससे उसकी अथॉरिटी को कोई चुनौती ना बने, है ये भी है, करेक्ट। ना। और फिर वो जी जीतते कैसे हैं? आईटी सेल का यूज करते हैं, सोशल मीडिया के जो हैंडलर हैं जिनकी ज्यादा वो है व्यूअरशिप, उनको परचेज कर लेते हैं, प्रिंट वो अपना मीडिया, प्रोफाइल बना देते हैं। प्रिंट मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। हैं? एक लोगों की नजर में एक अपना ओरा क्रिएट कर देते हैं कि हाँ भाई सब कुछ वही है, उस टाइम उन्होंने ये किया और करेक्ट। तो वो एक जो हेलोजनाइजेशन और होता है। एक ऐसा जो है इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, और उस इम्पैक्ट के आधार पर जो है वो जीत जाते हैं, और जीतने के लिए वो इतना सादा पैसा खर्च करते हैं कि जिस दिन वो जीतते हैं उसके दूसरे दिन से ही वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। कभी वो उनको रिट्रीट भी करना है, और करेक्ट 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 करेक्ट, गुना नहीं करके कई गुना रिट्रीट होना है फिर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प है कि हम एक कुछ अनूठा सा मॉडल लेके आए जो खर्चीला ना हो, क्योंकि यदि आप खर्च करेंगे तो आप भी एक दूसरे केजरीवाल बन जाएंगे, राइट? क्योंकि फिर आप उसी दलदल में जा रहे हैं, वही ड्रामा कर रहे हैं, वही नाटक कर रहे हैं, वही फ्री भी कर रहे हैं, वही गोल टॉपी लगाकर डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, फ्री भी बांट के, दारू बांट के, और किसी भी तरीके से मूर्ख बना के सत्ता में देश आप अकाबिज हो रहे हैं। को बर्बाद करने का मुख्य कारण ये फ्रीबीज ही है, सबसे ज्यादा बर्बादी का मूल देखो कारण ही यही है। देखो, आप अकेले फ्री भी कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं फ्री भी इज वन, आपको गरीब बना के रखना दूसरा, राइट? क्योंकि आपको गरीब बना के रखना एक राजनीतिक मजबूरी है सचिन, आप इस बात को आई डोंट नो वोटर्स कितना समझते वोटर्स कहाँ से हैं। आएंगे, इनके सपोर्टर्स कहाँ से आएंगे, क्योंकि करेक्ट। तो जो है आप जो गरीब नॉन होंगे तो वर्किंग वो लोग हैं आप, वही सपोर्ट करते हैं, करेक्ट, तो यदि आप गरीब बाकी होंगे, लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो लोग सपोर्ट करें जाके। टाइम एक अलग अलग बात है, क्योंकि यदि आप गरीब होंगे तो आपके वोट जो है पैसा देके खरीदे जा सकेंगे, आपको हेलो, थोड़ा बहुत पैसा देके कार्यकर्ता बना लिया जाएगा, आपको फ्रीबी देके, दारू देके, आपको जो है आपके वोट कबाड़ लिए जाएंगे, और जो कुछ नहीं मिले हैं उनको जाति और धर्म के आधार पर बांट के और एक भय पैदा करके कि आई एम द ओनली सेवियर, ये भय पैदा करके हम सत्ता में काबिज होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। जी तो क्राइम फ्री भारत मिशन जो है, इसके क्राइम फ्री भारत की एक यूट्यूब चैनल है, क्राइम फ्री भारत इज अब इन ऑल मीडिया, ऑल सोशल मीडियाज में है, राइट? चाहे ठीक आप जो है ना फेसबुक में देखें, चाहे इंस्टाग्राम में देखें, चाहे जो है उसके खुद की वेबसाइट्स को देखें या लिंक्डइन को देखें, सभी में जो है देयर इज अ क्राइम फ्री भारत, राइट, इंक्लूडिंग ट्विटर, राइट? जी तो इसमें 1400 ज्यादा वीडियो हैं, एंड क्राइम फ्री भारत मिशन का ये सोचना है कि क्राइम फ्री भारत मिशन जो है इज इन पोजीशन टू मेक दिस कंट्री नॉट फुल्ली क्राइम फ्री बट ए नोशनली क्राइम फ्री कंट्री, जिसमें आपको थाने नहीं जाना होगा, बिना थाने जाए आपकी जो है एफआईआर दर्ज हो सकेगी, यदि कोई गलत एफआईआर दर्ज करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकेगी, 15 दिन में चालान, वो भी अकाट साक्ष्यों के साथ, क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन की मदद से संभव हो सकेगा, और वीडियो बेस्ड इस डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल के सिस्टम के टाइम माध्यम। कुछ लोग तो हैं अभी भी मेरे साथ, कोई हाँ हाँ किसी की हेल्प करता है उसके बाद वो फिर उसको रिटर्न ही नहीं देना चाहता है। देखो, यदि आप कमजोर हालत से यदि मदद करेंगे तो कुछ लोगों की हेलो, मदद कर पाए। हाँ, मैंने कहा यदि आप कमजोर हालत से मदद करेंगे तो कुछ लोगों की मदद कर पाएंगे, हाँ नहीं ठीक इस है तरह ना? कुछ लोग भी, हाँ इस तरह से कुछ लोग भी हैं मैंने आइडेंटिफाई किया। एक्चुअली हम रूरल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, तो
हाँ, अगेंस्ट जो तो भी मतलब आप प्रॉब्लम एक प्रेजेंट काम होती है। करिए, हमने एक पूरा एनर्जी मॉडल डेवलप किया है जिसमें खर्च विहीन व्यवस्था के तहत पूरी चीजें बदल दी जाएंगी, जिसमें हम अपने चुने हुए नेताओं से अनुनय विनय प्रार्थना भी कर पाएंगे, उन्हें विवश भी कर पाएंगे और जरूरत होने पर बिना खर्च किए उन्हें पराजित भी कर पाएंगे। ऐसा पावरफुल मॉडल है और इस मॉडल में ना किसी को पैसा देना है, ना कोई नियम कानून को तोड़ना है, ना किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन करना है। ऐसा पावरफुल सिस्टम है। इसमें केवल 9 दिन का व्रत है, जैसे नौ दुर्गा व्रत होता है वैसा व्रत है। और वो व्रत क्या कहता है? वो व्रत ये कहता है कि आपको 9 दिन तक 10-10 ऐसे लोगों को जोड़ना है, उनको ऊर्जा